दोस्तों, अभी जो है हम अपने खेत में आ रखे हैं और हमें यहाँ से जो है ये सारा घास काटना है क्योंकि यहाँ पे हल्दी बो रखी है हमने। मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है परसों हमने कुछ साफ कर दिया था, जिधर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है और ये दोस्तों। है हल्दी और ये है पराची और विहान आ रखे हैं यहाँ पे। ये है हल्दी, इस तरह से उगना है इस हल्दी ने। ना नो नो, अब हम जो है इसे घास कर लेते हैं साफ। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो है जो कुर्रे होते हैं ना, उनका घास हो रखा है बहुत सारा। और ये देखिए वो उधर तक है, तो इसे हम फटाफट से साफ करते हैं। तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों, ये घास तो ऐसे लग रहा है जैसे फूल दस्ता बना रखा हो। ये देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है इसकी डिजाइन पत्तों की। ये है हल्दी, हमारे खेत में की हल्दी, अपने गांव की। इसी तरह से जो है दोस्तों, हमें इसे उखाड़ के साफ करना है, नहीं तो इसके जो है कुर्रे के बीज झड़ जाएगी, फिर दोबारा उग जाएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों, एक टमाटर का जो पेड़ भी उग रखा था, इसमें मैंने जो है डंडे लगा दिए हैं ताकि ये अच्छे से ऊपर की ओर जा सके इसका पेड़। और विहान और प्राची को देख लो, यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत सारा जो है यहाँ कुमरे पे कुमरा घास हो रखा है। ये कुमरे जो है अब पकने लग गए हैं और कपड़ों में भी सब चिपक रहे हैं। ये इधर पीछे पीछे से तो है, इन कुमरे की जड़ें जो है बहुत मजबूत हो गई है, तो ये पटने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। जहाँ पे ये नहीं पटे जा रहा है घास, वहाँ से जो है मैं दराती से काट दूंगी। और बाकी तो कल की शाम की बारिश हो रखी है, तो घास उपाड़ने के लिए जो है नरम हो रखा है बिल्कुल। और फटाफट से फिर थोड़ा सा उपाड़ेंगे हम आज, और थोड़ा कल, थोड़ा कल, 2-4 दिन में उपाड़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में जो है हाथ में दर्द होने लग जाता है। और विहान भी यहाँ जो है खेल रहा है, और प्राची की फ्रेंड जो है यहाँ पे मेरी मदद कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे उपाड़ के इनको काट के रख रही हूँ घास को, और प्राची उठा के जो है उधर को ढेर में लगा रही है, और विहान जो है अपना खेल रहा है। ये देखिए। बस बस, यहाँ पे जो है दोस्तों, जब मैं इस घास को निकाल रही हूँ तो इसमें जो है बड़ा ध्यान से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हल्दी जो है अभी कुछ हल्दी छोटी छोटी नीचे से उग रही है। अगर मैं दराती से काटती हूँ तो वो हल्दी भी कट जाएगी, इसलिए जो है मुझे उखाड़ के ही ये घास निकालना पड़ेगा। और ऐसे में जो है हल्दी का भी पता चल जाएगा कि छोटी छोटी हल्दी जहाँ उग रही है उसको भी बचाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर वो कट जाएगी तो फिर हल्दी कैसे में होएगी। और बहुत घास हो रखा है बहुत। दोस्तों ये देखिए कितना पसीना आ गया है, और अभी जो है इतना हमने साफ कर दिया है, ओ उधर से लेके उधर भी है और इधर को भी है, और इधर साफ करना बाकी है। और ये देखिए, तो दोस्तों अभी रात हो गई है और मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं सब्जी किस चीज की बना रही हूँ? हाँ, ये मुंह में क्या काला काला क्या लगा रखा है? ये मुंह में क्या लगाया हुआ है आपने? और दोस्तों मैंने
डिनर में जो है रोटी सब्जी और रायता बना रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं प्याज और छोला और आलू की सब्जी बना दी हूँ, अभी ये पकने के लिए रखी है मैंने। चंदा मामा दूर। अब जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और बंद कर देंगे इसका ढक्कन, थोड़ी देर 5-10 मिनट पकने देंगे उसे। और यहाँ पे बना रखा है मैंने रायता, अब जो है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और बंद कर देंगे इसका ढक्कन, थोड़ी देर 5-10 मिनट पकने देंगे उसे। और यहाँ पे बना रखा है मैंने रायता, रायते में मैंने हरी मिर्च काट के और टमाटर प्याज और काला नमक डाल रखा है मैंने, और ये देख सकते हैं आप। और बाहर बहुत रात हो गई है, 8:30 हो बज गए हैं, और ये देखिए दोस्तों। और इधर जो है मैं दिखाऊं, दिन के चावल भी बच रखे हैं तो रोटी मैं कम ही बनाऊंगी। और यहाँ पे दोस्तों जो है दूसरे गैस पे जो है हम फटाफट से दूध भी गर्म कर लेते हैं और फिर जो है थोड़ी देर में डिनर करेंगे। डिनर तो हम 9:30-10 बजे करते हैं दोस्तों वैसे भी। और चन्ना मामा दूर के बोले, एक गमला मरना पानी खरीदेंगे एक गम, ठीक है फिर। चंदा मामा दूर के बोले, चंदा मामा दूर के आप खाओ थाली में बोले, व्यू को दो प्याली में। ओके दोस्तों, बाय बाय। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखिए, गुड नाइट।